أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن أجر يمسسكم أجر मस करना तो बार बार आ रहा है, हमने उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मस कर जाना, छू जाना। यमसस्कुम, अगर तुम्हें छू गई है, करहुन, करह कहते हैं ज़ख़म को जो ज़ाहिर जिस्म के ऊपर ज़ख़म आ जाता है। यमसस्कुम करहुन, किसी तलवार तीर का अगर ज़ख़म, नेज़े भाले का तुम्हें ज़ख़म लगा है, फ़कद मस्सा, और का छुआ है, अलकौमा उस कौम को, करहुन उस कौम को भी छुआ है जो तुम्हारी मुखालिफ कौम है, वो काफरों को भी छुआ है, करहुन कोई कर कोई ज़ख़म उन्हें भी लगा है, कोई चोट उन्हें भी लगी है, मिसलहू उसी जैसी, जिस तरह तुम्हें लगी है इस तरह उन्हें भी लगी है। तुम्हें चोट लगी है, और अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी थी। व तिलकल अयामू, वो यानी बदर के अंदर उनको मार पड़ गई थी, अब बदर ओहद के अंदर तुम्हें चोट लग गई। व तिलका, ये है जमा के एलियात इस्तेमाल होता है, अयामुन ये दिन हैं, यौम की जमा है अयाम, ये दिन है, नुदाविलुहा दावला युदाविलु, दावला कहते हैं अदल बदल करना। तिलकल अयामुन दाविलु हा, ये यौम की जमा याम, ये भी उर्दू के स्टाइल पे आ गई, इसलिए हा आ गया, इसे उर्दू मोनस की तरह ट्रीट किया जाता है। नुदाविलु हा, ये दिन है जो हम फेरते रहते हैं, बैन नासी, अदल बदल करते रहते हैं लोगों के दरमियान, आज इस पर ये दिन आ गया, कल उस पर दिन ये आएगा। वलिया आलामा, वाव और लाम यकीनन, या आलामा इसलिए के जाने, लिया आलमा के जाने, अल्लाहु अल्लाह के अल्लाह जाने, अल्लज़ीना आमनु जो लोग ईमान लाए हैं, जो लोग ईमान लाए हैं, ये दिन फेरते रहते हैं कि ताकि अल्लाह जान लें कौन अहले ईमान हैं। वह यत्तखिज़ मिनकुम, और पकड़ ले, अख्ज़ कर ले, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अख्ज़ करना, पकड़ना, लेना, ये फिर मुज़ारे की अलामत है, तखज़ा या तखिज़ू, ताकि वो पकड़ ले, मिनकुम चुन ले, मिनकुम तुम में से, शुहदा शहीदों को, गवाहों को, दोनों मानी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लज़ीना आमनु व यत्तखिज़ू, ये ज़ख़्म इसलिए है ताकि तुम में से जो शहीद हैं उनको वो ले ले, उनको वो खिल्लत शहादत से नमाज दे। दूसरे इसके मानी कि ये पता चल जाए कि कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने शहदा अलन्नास के मुकाम पर फ़ाइज किया था, उनकी ये ड्यूटी लगाई थी, और कौन वो शहीद पक्के हैं, वो अल्लाह के शहादत देने के लिए लोगों के अंदर वो काम करने वाले मौजूद हैं, उनको वो ले ले। लिया आलम अल्लाहुल्लज़ीन आमनू व तख़िज़ा मिनकुम, तुम में से शुहदा, शुहदा अलन्नास का काम करने वाले जो हैं वो तुम में से ले ले। वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला नहीं, युहिब्बु वो पसंद करते हैं या करेंगे, ला युहिब्बु नहीं पसंद करते, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिम तो उर्दू में कहते हैं, और यानून जमा की अलामत है, ज़ालिमीन ज़ालिम, अल्लाह ऐसे लोगों को जो ज़ालिम हैं पसंद नहीं फरमाते। तिलकल अय्यामुन दाविलुहा बैनन्नासी, ये तो ज़माने के नशेब व फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं।
ये लोगों के दरमियान नदाविल करते हैं, फेरते रहते हैं। तुम पे ये वक्त इसलिए लाया गया है कि अल्लाह देखना चाहते हैं कि तुम में से सच्चे मोमिन कौन हैं। लियालमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को छांट लेना चाहता है जो वाकई रास्ते के गवाह हैं, वो जो अल्लाह ने शहदा अलन्नास के नेकी का पैगाम पहुंचाने वाले, गवाही देने वालों के तौर पर इस उम्मत को लगाया है, काम पे लगाया है, वो काम करने वाले कौन हैं। यानी एक तो मानी हो गए शहीद, उनमें से शहदा उठा लेना चाहता है और इज़्ज़त बख्शना चाहता है, उनको खिल्लत देना चाहता है, शहादत की पहनाना चाहता है। दूसरा, अहले ईमान और मुनाफिकीन के इस मखलूत ग्रोह में जिसमें इस वक्त मुश्तमिल है, मजमूआ है लोगों का, उन लोगों को छांट लेना चाहता है जो हकीकत में शहदा अलन्नास के उस मनसबे जलील पर फाइज है। दोनों मानी यहाँ पर ठीक है। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।